अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मंचूरियन, वो भी देसी स्टाइल में। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कैबेज ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा कट करके देखिए इस तरह घिस लिया है फ्रेंड्स। और मैं इसके ऊपर इसका पानी तो मैं नहीं निकाली, आप चाहे तो इसे निचोड़ के इसके अंदर का जो पानी होता है उसे निकाल सकते हैं। चिकन मसाला डाल दिया है मैंने 2 स्पून, और 2 स्पून डाल दिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पर आधा स्पून डाल रही हूँ। कलर डाल दिया है थोड़ा, कलर के लिए फूड कलर डालकर अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे राउंड राउंड एक गुलाब जामुन के आकार में इसे एक गोला बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह बनाकर मैं सारे इस तरह ही तैयार कर लूंगी। देखिए अब मैं सारे बना लिया है मैंने, और एक तरफ कढ़ाई रख के मैंने तेल डाला है थोड़ा इसे फ्राई करने के लिए। सारे मंचूरियन को मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी हल्टी पल्टी करके। गैस के फ्लेम को लो रख के हमें अच्छे से अंदर तक इसे पका लेना है, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। इसलिए देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे मंचूरियन का। अब सारे मंचूरियन को इसी तरह हल्टी पल्टी करके हम फ्राई करके निकाल लेंगे फ्रेंड्स। निकाल के अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। रख लेंगे एक कढ़ाई, उसमें मैंने थोड़ा तेल और एक प्याज को इस तरह कट किया है थोड़ा बड़े बड़े पीसों में, और 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा कैरेट। अब एक कैप्सिकम को मैंने इस तरह कट करके डाल दिया है, डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ थी लहसुन की कलियां, जो छोटे बारीक वाले पीसों में मैंने कट किया है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर टमाटो सॉस डाल रही हूँ 2 से 3 स्पून तक का। सोया सॉस है 1 स्पून, विनेगर 1 स्पून डाला है मैंने। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस समय पर डाल सकते हैं जो मंचूरियन तैयार हुआ है वो। मैं इसे थोड़ा लिक्विड की तरह तैयार कर रही हूँ, तो एक स्पून जितना मैदा लेकर मैं उसमें थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आपको नहीं पसंद है तो सिर्फ मैदा स्किप कीजिए, जो मसाले हम तैयार करें हैं उसमें डाल लीजिएगा। मंचूरियन थोड़ा लिक्विड तरह होता है, ग्रेवी तरह होता है, इसलिए मैंने इस तरह तैयार किया है। देखिए हमारे फटाफट कितनी जल्दी हमारी मंचूरियन बन के तैयार हो चुकी है। अगर मेरी आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी आपके घरों में ज़रूर से बनाइए, और मुझे ज़रूर से कमेंट्स में बताइए किस तरह बनी है आपकी मंचूरियन। अगर मेरी आज की आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।